हेलो गाइस, आई एम श्रेयल कुलाये, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रीन टी टोनर कैसे बनाते हैं और उसके यूजेस क्या क्या है, उसको यूज़ किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले यूजेस बताती हूँ और ये क्या क्या करता है। ग्रीन टी जो है एंटी एजिंग होती है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स। इसमें कैटेशिन कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो एंटी एजिंग का काम करता है। सेकेंड, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है एंड एंटी बैक्टेरियल है। इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन या फिर पिंपल प्रोन स्किन, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, बिकॉज इट हैज़ दैट एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़। तीसरी बात, अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये पोर टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ये पोर टाइटनिंग के लिए यूज़ होता है और ये अच्छे से टोन करेगा फेस को। सो आफ्टर वॉशिंग योर फेस आपको इसको यूज़ करना है। ग्रीन टी पाउडर, विटामिन ई कैप्सूल्स 2 कैप्सूल्स, एलोवेरा जेल, इट इज़ ऑप्शनल, कंटेनर टू स्टोर, स्प्रे बॉटल। फर्स्ट स्विच ऑन द गैस, उसके बाद एक सॉस पैन रखो, उसमें मैंने अंदाजे 1.5 ग्लास पानी डाला है। देन ऐड 3 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन टी पाउडर। देन स्टर इट। गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। एक बॉईल आने तक इसे हमें रखना है। बॉईल आने के बाद कवर इट। और तब फ्लेम कम कर देना। पांच मिनट बाद टर्न ऑफ दी गैस और फिर ये ठंडी होने तक वेट करो। ठंडी हो जाने के बाद स्टर इट एंड देन उसको निकालना है स्ट्रेनर से। नाउ ऐड विटामिन ई कैप्सूल्स। ऐड अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल, विटामिन ई डालना है बिकॉज इट विल एक्ट लाइक प्रिजर्वेटिव, वो ज़्यादा दिन तक चलेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। उसके बाद इसे स्प्रे बॉटल में निकाल लो। एंड देन योर ग्रीन टी इज़ रेडी, ग्रीन टी टोनर इज़ रेडी। तो ये हमारा ग्रीन टी टोनर रेडी है, इसको बस शेक करो और स्प्रे करो। आफ्टर वॉश ये करो एंड जस्ट पैट इट। ये 2 से 3 वीक तक अच्छा रहेगा और इसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो 3 वीक तक भी चल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट डाउन एंड शेयर इट।
कंसिडर सब्सक्राइबिंग, मोर वीडियोज आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड।